बात करने वाले हैं एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक है हमारा एपीआईस। एपीआईस क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझते हैं किस पर्पस के लिए यूज की जाती हैं और ये क्या करती हैं सिस्टम पर। तो एपीआई की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं एपीआईस को। फ्रेंड्स, अगर मैं एपीआईस की बात करता हूँ तो एपीआईस को बोलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैंने आपको इंटरफेस एंड एपीआई के बीच का डिफरेंस, साथ में ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंटरफेस के बारे में मैंने समझाया। बट अभी अगले स्टेप पे चलते हैं और एपीआई को अंडरस्टैंड करते हैं। आज एपीआई, जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या पर्पज होता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो एपीआई होती है उसका पर्पज क्या है। एपीआई को यूज करने से सीधे मैं अपनी Oracle की बेस टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे इनवॉइस क्रिएट करनी है तो सीधे ही एपी इनवॉइसेस ऑल और एपी लाइंस ऑल के अंदर सीधे डायरेक्टली मैं डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग एपीआईस। अगर मुझे सप्लायर क्रिएट करने हैं तो सप्लायर क्रिएट करने की एपीआईस को यूज करके डायरेक्टली मैं एपी सप्लायर्स एंड एपी सप्लायर साइट्स ऑल के अंदर अपना डेटा क्रिएट कर सकता हूँ। सो विदाउट इमीडिएटर, इट मीन्स जैसे इंटरफेस क्या करता था, इंटरफेस बीच में एक लेयर बनाता है, पहले डेटा रेडी करके इंटरफेस में डालता है, उसके बाद हमारा वैलिडेशन और इंपोर्ट प्रोग्राम चलते हैं, देन हमारा बेस टेबल में आता है। बट यहां पर नहीं है, अगर हमने डेटा अपना सही तरीके से एपीआई में पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके डाला है तो एपीआई डायरेक्टली मेरी बेस टेबल को हिट करती है, मेरे डेटा को डायरेक्टली बेस टेबल के अंदर ले आती है। तो ये तो हुआ पर्पस की एपीआई एक्चुअली करती क्या है। आगे एपीआई होती है सेट ऑफ कोड्स होती हैं जो ओरेकल हमें प्रोवाइड कराता है। एपीआई हमारी दो तरीके की होती है दोस्तों। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो एपीआई यहां पे दो तरीके की होती है, प्राइवेट एपीआई और पब्लिक एपीआई। प्राइवेट और पब्लिक एपीआई क्या होती है, अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो दोस्तों नाम से ही मुझे पता लग रहा है कि ये प्राइवेट है। इट मीन्स किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी की प्राइवेट कोड है, हर कोई पब्लिकली इसको यूज नहीं कर सकता है। तो समटाइम्स ओरेकल इस तरीके की जो प्राइवेट एपीआईज होते हैं वो अपने पास रखते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट के टाइम के लिए, अपनी टेस्टिंग के लिए प्राइवेट एपीआईज बनाई जाती हैं, ओरेकल उनको पब्लिकली शेयर नहीं करता है। दूसरी तरीके की एपीआईज होती है पब्लिक एपीआईज, जहां पर हमारे सारे के सारे किसी भी पर्पस को फुलफिल करने के लिए सारे वैलिडेशंस मेरे एपीएस के अंदर होते हैं, सभी के अगेंस्ट एरर मैसेज प्रॉपर लिखे होते हैं, सारे एक्सेप्शंस लिखे होते हैं, और इस तरीके का पूरा कोड भी हमें ओरेकल ही प्रोवाइड करता है। इनको सीडेड ओरेकल की अपनी एपीएस बोलते हैं और उनको बोलते हैं दोस्तों पब्लिक एपीआई, जो पब्लिकली कोई भी यूज कर सकता है, आप लोग, मैं या कोई भी, फॉर पर्टिकुलर पर्पस। लाइक सप्लाई क्रिएट करना है, लाइक इनवॉइस बनानी है, तो वो मैं पब्लिक एपीआई के थ्रू करूंगा। तीसरा बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप डेवलपर हैं, अब आपको ये नहीं पता है कि कौन सी एपीआई किस पर्पस के लिए कहाँ यूज करनी है। सो दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी एपीआई यूज करनी है, दोस्तों देखिए दो तरीके हैं एपीआई को फाइंड करने के, एक थोड़ा सा टेक्निकल वे है और एक थोड़ा फंक्शनल वे है। पहले बात करता हूँ फंक्शनल वे की। अगर आपको टेक्निकली ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मुझे कहाँ से एपीआई कैसे मिलेगी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओरेकल की इंटीग्रेटेड सोवा गेटवे करके, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर पूरी एक रिपोजिटरी बनी होती है जहाँ पर ओरेकल ने जितने भी टाइप्स की एपीआई, जितने भी टाइप्स के कोड पब्लिकली शेयर किए हुए हैं उसकी एक पूरी रिपोजिटरी होती है वहाँ पर। आप फाइनेंस टैब के अंदर जाइए, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ सप्लायर का, सो आप फाइनेंस टैब के अंदर जाइए, फाइनेंस के अंदर फिर पेबल्स के अंदर जाइए, पेबल्स के अंदर फिर सप्लायर के अंदर जाइए। जैसे ही सप्लायर पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी एपीआईस किस किस पर्पस के लिए यूज हो रही होंगी वो सारी आपको मिल जाएंगी। एपीआईस केवल और केवल क्रिएट करने के लिए ही नहीं बल्कि अपडेट करने के लिए भी यूज में आती है। कई बार मैं डेटा क्रिएट करता हूँ, सप्लायर क्रिएट करता हूँ, सप्लायर की साइट क्रिएट करता हूँ, सप्लायर के कॉन्टैक्ट, सप्लायर का बैंक, सप्लायर के अकाउंट डिटेल, सब कुछ मैं बैकएंड के थ्रू ही डायरेक्टली ओरेकल की एपीआई यूज करके कर सकता हूँ। अगर कोई क्रिएट करते वक्त कोई गलती हो गई है या किसी भी
चीज का कोई अपडेट आया है, अपडेट के लिए भी दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट एपीआई होती हैं, उन एपीआई को यूज करके हम अपने डेटा को भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको फंक्शनल तरीका तो बता दिया कि इंटीग्रेटेड सोआ गेटवे के अंदर पूरी रिपोजिटरी होती है मेरी ओरेकल की। टेक्निकली जितने भी मेरे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आता होगा कि जब कभी भी मैं किसी एपीआई की बात करता हूँ तो उस एपीआई का नाम या तो उस नाम के अंदर एपीआई आता ही आता है या फिर पीयूबी नाम मेरी एपीआई में कहीं ना कहीं आता है। तो मैं ऑल ऑब्जेक्ट्स के अंदर या डीबी ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाकर के टाइप में पैकेज डाल के अपनी एपीआई को फाइंड कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीका हुआ। और दोस्तों गूगल की हेल्प भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, गूगल के थ्रू भी हमें डायरेक्टली पता लग जाता है। ओरेकल सपोर्ट की जो अपनी साइट है वहां पर भी जाकर हमें अपनी एपीआई के नाम पता लग जाते हैं। सो दोस्तों ये तो एक बात हुई एपीआई की, क्या एपीआई करती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे फाइंड कर सकते हैं पब्लिक एपीआई क्या होती है, प्राइवेट एपीआई क्या होती है, कौन से हमें यूज करनी चाहिए। तो एपीआई को लेकर के जो एक पिक्चर थी वो यहाँ पर क्लियर होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जहां पे हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों, किसकी, सप्लायर एपीआई की।